नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। सरकार पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास करना चाह रही है, लेकिन देखिए पंचायत भवन खरासपुर में हम हैं, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि यहां शायद कोई है ही नहीं। पूरे भवन के जो कार्यालय हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके पंचायत सरकार भवन बनाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से विकास की गंगा बहेगी, लेकिन कोई नहीं है। चलिए यहाँ पर हम आपको पहले एक नज़र दिखाते हैं। जब देखिए एक भवन को जो 2017 में ये भवन बना था, उसके बाद से आज तक इस भवन पर रंग रोगन नहीं हुआ। पैसे आते हैं, पैसे कहाँ चले जाते हैं, ये पंचायत में जो करोड़ रुपये आते हैं क्या होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये आप यहीं रहते हैं ना? मेरा नाम किशोर मंडल। हाँ हाँ, ठीक है ना। यहाँ पर ना कोई स्टाफ आता है, ना अधिकारी आता है। हाल देख रहे हो, टूटा फूटा और लाखों करोड़ों का फंड आता है, किंतु यहाँ पर कोई विकास के काम नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पर कितने कर्मचारी? 7-8 कर्मचारी यहाँ पर हैं तैनात। कोई आते हैं यहाँ पर, ये खुलता है? कोई कोई टाइम में आता ही नहीं, जब अपने मन से आया गया, किसी से कोई माने मतलब नहीं। बहुत जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, घूम के चले जाते हैं। यहाँ का जो भी है जनता या जो भी ग्रामीण लोग है आते हैं, टाइम पर न कोई मिलते हैं न कोई जुलते हैं, उसी हिसाब से चल रहा है। यहाँ पंचायत सचिव या कार्यालय सहायक जो मन हो तो वो लोग आते हैं कभी? कभी मना हुआ आया है, कभी मन हुआ नहीं आया। वो टाइम पर कोई नहीं, टाइम टाइमली कोई नहीं आता है। आप कभी आए हैं यहाँ पर? कभी आए हैं? कोई सुविधा लगा? कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हम बता दें, ग्रामीणों का भी यही कहना है कि ये जो है, क्या बाबू यहीं पर रहते हैं आप? जी हाँ, यहीं पर रहते हैं। खुलता है कि नहीं कभी कभी? खुलता तो है कभी कभी, महीना में 3 दिन 2 दिन 1 दिन खुल गया। हाँ, कभी भी, लेकिन इसमें कोई ऐसा काम नहीं होता है जिससे हम लोग को कोई हेल्प मिल सके। कोई कर्मचारी को पहचानते हैं यहाँ पर? हाँ, ऐसा आदमी की कभी कभी आते होंगे? नहीं, कर्मचारी को तो नहीं पहचानते हैं। एक है सरपंच साहब है, वो कभी कभी आ जाते हैं। बस उसके अलावा कोई नहीं? और कोई नहीं? नहीं। कितने आदमी आते हैं कभी कभी ऐसा लगा? अरे एक दो आदमी आया, मतलब आधा एक घंटा बस ब्लॉक खोला, उसके बाद बंद करके चला गया है। झंडा फहराने समय आते होंगे? हाँ, झंडा फहराने समय में क्यों नहीं आएंगे? उसके बाद गायब? हाँ, उसके बाद गायब। तो चलिए हम बता दें, बड़े पंचायत भवन का जो नीतीश कुमार की जो परिकल्पना थी वो ये थी कि पंचायत सरकार भवन बनेगा तो यहाँ विकास कार्य होंगे। आप यहाँ पर क्या है? कार्यपालक साहब। अच्छा, यहाँ पर आपका कार्यालय कौन सा है? मेरा यही कार्यालय है। अच्छा, वो जो उधर कार्यालय सहायक, तो उसमें पंचायत सचिव, लेखापाल, अकाउंटेंट वो लोग बैठती हैं। तो एक कार्यपालक सहायक का वहाँ लिखा हुआ जो बंद था उसमें आप नहीं बैठते हो? नहीं, मेरा आरटीपीएससी कार्यपालक सहायक हम ही है, लेकिन मेरा ये इस काउंटर पर रहता पर है। अच्छा, ये बताइए कि कितने यहाँ पर कर्मचारी हैं जो कि पंचायत सचिव, लेखापाल, अकाउंटेंट, विकास मित्र, आवास सहायक, रोजगार सेवक, सारे लोगों के यहाँ पे रहता है। प्लस यहाँ पे ग्राम कचहरी का भीड़ चलता है ना। अच्छा, तो वो लोग आते हैं कभी कभी आपसे मुलाकात होती है कि नहीं? कभी हम अपने कार्यालय में आते हैं, मेरा तो अलग डिपार्टमेंट, तो हम अपने चले जाते हैं, उधर हम जाते ही नहीं है, इसलिए। आप तो आती हैं, आपके बारे में? मेरा अस्मिता कुमारी। आप क्या हैं? कार्यपालक सहायक। तो यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर कितने दिन लग जाते हैं अगर आते हैं आरटीपीएस काउंटर पर? तो कितने यहाँ से सिर्फ आपको जाति आवासीय का जैसे पब्लिक पोर्टल से ऑनलाइन होता है, सिर्फ वो होता है, हम लोग को लॉगिन अभी नहीं मिला है। बाकी जो मेरा ऑफिस दिन हो गया मेरा, हम लोग तो 5 साल से अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, लेकिन अभी हम 6 महीना पहले यहाँ पे आए हैं। अच्छा, और कोई ऐसा कार्य है जो कि आरटीपीएस का? हम लोग सारा काम यहाँ से ऑनलाइन करते हैं, पब्लिक बेस पे हम लोग फिर पेंशन वाला काम देखते हैं। वहाँ पर कोई रुकावट, कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, यहाँ से जो मेरा काम है वो हम कर देते, यही कि थोड़ा और लॉगिन मिल जाता तो पब्लिक को भी सुविधा होती काम दे। कितने स्टाफ हैं आपके साथ? आप अकेले हैं आपके साथ और? आरटीपीएस पे हम अकेले अकेले हैं काम। हाँ हाँ हाँ। तो आप नियत आप लेते हैं टाइम पर? हाँ। और दूसरे को आप देखते नहीं कभी? अच्छा, हम जाते नहीं, ऐसे कर्मचारी सर लोग रहते हैं उधर, लेकिन हम जाते नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा अस्मिता कुमार। चलिए, ये देखिए आपको हम दिखाते हैं सच्चाई। ये बिल्डिंग है, जो गौर से देखिएगा, कहता है कि पंचायत भवन में लाखों रुपए करोड़ों रुपए आते हैं और जो है सो इसके विकास के लिए नीतीश सरकार बड़े सपने देखती है और कहती है कि हर गांव में करोड़ों रुपए के पंचायत सरकार भवन बनेगा। इससे बनेगा कि यहीं से पंचायत सरकार जितने भी अधिकारी और कर्मचारी पंचायत के होंगे वो यहां बैठेंगे और यहां से बैठने के बाद वो जो है सो यहां पर पंचायत के विकास के काम करेंगे। जहाँ देखिए 2017 में ये बना, जो गौर से दिखाइए दूर से भी, 2017 में बना, सारे में ताले बंद हैं। आखिर इतना करोड़ों रुपया खर्च करके बनाने से फ़ायदा क्या है यहाँ पर? जरा देख लीजिए, पूरी तरह
ये जर्जर हो गया है, ये आप अंदाज़ा लगाइए जो बना होगा कितने खर्चा हुआ होंगे। लेकिन इसके बावजूद सभी जो रूम बने हुए हैं सभी में ताला जड़ा हुआ है, सभी रूम में ताला बंद है। और ये स्थिति है, देखिए नीतीश कुमार भी अगर देखेंगे तो शर्मा जाएंगे, क्योंकि उनका सपना था कि पंचायत सरकार भवन। ये देखिए कार्यपालक कार्यालय है, ये देखिए ताला बंद, देखिए गौर से इसमें भी ताला बंद, ये रसोई कक्ष यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा इसमें भी ताला बंद, ये देखिए पंचायत सचिव का कक्ष है, पंचायत सचिव महोदय हैं इनसे हम पूछेंगे। इसके बाद ये देखिए उप मुखिया का कक्ष है, पता नहीं कब बैठते होंगे, और ये मुखिया का कक्ष है, ये भी कब आते हैं पता नहीं, ताला बंद इसमें भी। शिकायत मिल रही थी। इसके बाद हम देखिए पंचायत सचिव हैं सोनी कुमारी, सोनी जी आप यहाँ पर आई हुई हैं, ये क्या लगता है कि यहाँ का जो विकास कार्य है वो किस तरह होगा जब यहाँ के कर्मचारी ही गायब रहेंगे, सारे में ताला लगा हुआ है, कब आते हैं नहीं आते हैं कोई जानकारी नहीं होती है। नीतीश सरकार का सपना था कि पंचायत सरकार भवन ही पंचायतों का विकास कर सकती है, कहाँ दिक्कत हो रही है आपको, कौन नहीं सपोर्ट कर रहा है? सर सारे सपोर्ट कर रहे हैं सर, सबका काम बटा हुआ है, कुछ लोग जो स्टाफ फील्ड के स्टाफ हैं वो अपने फील्ड में हैं, और जो कार्यपालक साहब को रेगुलर आना है वो आई हुई है। कौन कौन फील्ड स्टाफ हैं, कितने फील्ड स्टाफ हैं आपके स्टाफ में? हो गए सर आवास सहायक, अब वो राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, और कृषि क्या बोलते हैं कृषि किसान सलाहकार, PRS, ये सब पंचायत के कर्मी हैं। ये सब फील्ड में रहते हैं, प्रत्येक दिन फील्ड में रहते हैं? प्रत्येक दिन नहीं, जब भी यहाँ कुछ भी काम होता है तो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो वो रिपोर्ट किसको करते हैं कि हम फील्ड में आज ये काम कर रहे हैं? एक होता है ना कि टास्क देना कि आज ये टास्क मिला आपको, आप क्षेत्र में काम करके हमें रिपोर्ट दीजिए, कितने दिन इन लोगों ने आपको रिपोर्ट दिया है? जी सर रिपोर्ट तो जब मीटिंग होती है तो वो देते हैं, मगर फिर डेली का जो रिपोर्ट है उनका विभाग उनसे लेता है। अच्छा जी जी। और कितने कर्मचारी यहाँ पर आपको सपोर्टिंग में हैं? सर सारे कर्मचारी मेरे सपोर्टिंग में हैं, मैं तो न्यू हूँ। कितने दिन हुआ आप? एक साल लगभग हो गया है। एक साल में कौन कौन सा मुख्य विकास के काम हुए, कहाँ कहाँ सड़क नाले जल जमाव जो बने होंगे वो कहाँ कहाँ हुए, अंदाजा होगा? अंदाजे करोड़ के लगभग राशि का विकास काम हुआ? करोड़ तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि सरकार तो पैसा टाइड अनटाइड में बांट के देती है, उसी के अनुसार खर्च होता है। अच्छा तो ये तो मालूम होगा ना आपको कि आपके पंचायत में कितने करोड़ का विकास हुआ, कहाँ कहाँ बना, क्या हुआ, ये पंचायत सच कैसे बताएंगे सर? करोड़ अब नहीं, अच्छा नहीं लाखों का ही हुआ हो या जो भी हुआ हो, तो टाइड करके देती है सरकार, तो टाइड वाला पैसा नल जल में मतलब खर्च होती है सैनिटेशन में, और बाकी जो अनटाइड का है वो गली नली में होता है। तो आपके पास एक रिपोर्ट होगा ना कि हमने कहां कहां खर्च किया है, मतलब कितने का? आपको समय हम देते हैं? हाँ हाँ, आप हमको दिए क्योंकि टीवी स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ चलेगा, इसलिए आप हमको दे दीजिए। आप नहीं दे सकते, हमको अकाउंटेंट से प्राप्त करना होगा। ओवरऑल तो मालूम होगा ना कि कितनी जगह काम, तो इस जगह बनी है, जगह तो हुए है काम, मतलब इधर आपका ये जो हम मेरे आने के बाद वार्ड एक में नाला का निर्माण हुआ है, और फिर वार्ड तीन में एक हुआ है, फिर और नल जल का ज़्यादा काम यहाँ हो रहा है सर। नल जल का हो रहा है, सब जगह घर में पानी पहुँच रहा है? घर की तो बात नहीं करेंगे, मगर जहाँ जहाँ शिकायत आती है तुरंत हम उसको मतलब दूर करने का। क्या काम है आपका पंचायत सचिव का, और क्या क्या काम है पंचायत के विकास के, लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस खबर को देखते हुए कि पंचायत सचिव का दायित्व क्या है और वो क्या कितना दायित्व निभा पाते हैं, नहीं निभाते हैं तो उसके पीछे बैरियर क्या है, बाधा क्या? सर वो तो निभाना नहीं निभाना तो आपको पंचायत के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं उनसे आप मिल के उनसे हम पूछ सकते हैं। आप सरकारी ऑथराइज बताइएगा कि जो आपका फंक्शन क्या है, क्या क्या चीज़ आपको देखना है? फंक्शन है सर वो हम अपने मतलब क्या क्या जैसे तरीके से हम पूरा क्या क्या जैसे करते हैं, या फिर लिस्ट बनाना क्या बना क्या क्या जैसे कहीं पर कोई खराबी? सर मेरे पास आता है पेंशन का, ब्लॉक से मिलता है पेंशन मतलब जांचने के लिए आवेदन, राशन का आवेदन, जन्म मृत्यु का, वो सब हम जांच करके क्लियर करके देते हैं। यहीं सड़क उड़क का कहीं टूटा हुआ है, जल जमाव है, इसका अगर कोई देता है तो कौन देता है, उस पर कैसे विचार होता है? सड़क टूटा हुआ रहता है तो उस पर तो विचार सारे लोग बैठ कर करते हैं। ठीक है सर, थोड़ा एक, 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 एक सवाल अंतिम पूछना चाहेंगे कि एक आप अगर किसी प्रपोजल पर साइन करती होंगी तब प्रपोजल काम हो जाता होगा, वो इम्प्लीमेंट होता होगा उसका,
तो आपके पास आता है प्रपोजल या नहीं आता? क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो पहले सचिव थे वो घर पर बैठे ही काम कर लेते थे, साइन करते थे, उसके बदले कुछ उनको। ऐसा नहीं है सर, जो भी काम हम पंचायत सरकार भवन आकर ही करते हैं, घर से कोई काम नहीं करते। आपके पास देते हैं प्रपोजल? हाँ, मेरे पास आता है, उसके बाद ही हम देखते हैं, उसके बाद करते हैं। आपकी अवहेलना नहीं होती है? नहीं, अवहेलना नहीं होती है, सारे लोग हेल्पफुल हैं। तुम बता दिए सोनी कुमारी हैं, ये पंचायत सचिव हैं, हम और आएंगे आपको।